स्वर्गों के जूते लगा दिए इसने, है ना। कुछ बनाते हैं बर्फ का, आगे जाके बनाएंगे। तो लो दोस्तों, ये प्यारी प्यारी बर्फ आपके लिए। लो ये थोड़ा देखते हैं, टेंट लगाने के लिए जगह बहुत ही परफेक्ट लग रही है। तो भाई आ जाओ जरा मेरे साथ। भाई ध्यान से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। तो आज देखो, अभी हम यहाँ पे ही है, खाना वगैरह खा के हम यहाँ पे ही रुके थे। तो अब से यहाँ पे फोटो वीडियो सब कुछ बन रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इस टाइम का माहौल आप देख सकते हो कितना प्यारा है यहाँ का। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, बैग वगैरह फिर से लगा लिए है, भाई ने भी लगा लिया। तो बस हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चलो भाई। और रात को देखो ऐसे स्नो चमकती है भाई पहाड़ों पे, और रात का माहौल देखो ऐसा है कुछ यहाँ का। जो कि बाइक के रिलेटिव है, तो उनके वहाँ पे जगह नहीं हुई, तो अब हमें रूम लेना पड़ेगा। तो बस रूम मिल चुका है, तो अब हम जा रहे हैं रूम वाली साइड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम इतने तो वो नहीं है, हमारे पास बड़ा हुआ है, तो पूरा हम बजट अपना सेट करके चले थे। तो मैं आपसे भाई से सीधी बात करवाता हूँ, और कभी भी आप यहाँ पे आओ मैकलोडगंज में, तो आप भाई के पास कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको ऊपर ही मिल जाएंगे पूरा इनसे विद आपको इनका होटल का नेम। तो जैसे आपको कम मतलब आपका बजट कम है, तो आपका पूरा यहाँ पे मतलब आप मानोगे नहीं ऐसा आपको रेट मिलने वाला है। तो जहाँ पे आज हमें रहने की रात को दिक्कत पड़ रही थी, तो आपने पूरा सहयोग दिया, और जैसे हमने आपको रेट बोला वैसे आपने कर दिया। तो भाई एक बार पूरा प्रॉपर बता दो, क्या नेम है इस होटल का, और पूरा अपने बारे में पूरा बता दो। होटल का नाम है विक्टोरिया हाउस जी, ये जोगीवाड़ा रोड में है जी। और हमारे सारे रूम जो है कि फ्रंट के हैं जी, व्यू वाले हैं, जहाँ पे आपको त्रिकुंड का व्यू भी दिखेगा जी, पैराग्लाइडिंग भी दिखेगी, ये बड़ा व्यू सब कुछ है ना। तो भाई आपके जो रेट है, तो वो कहाँ से? हमारे जायज रेट है 500 से स्टार्टिंग है। अच्छा जी, तो भाई इतना अच्छा 6000 तक मिल जाएगा। इतना अच्छा रेट, इतना अच्छा रेट है आपका। तो ऊपर मैंने पता किया था, तो 1400-1500 बोल रहे थे। और हमारा फैमिली मॉल है। तो अभी आपको एक चीज बताता हूँ, 1 2 3 दोस्तों देखिए पुट्ठे बगे हमारे। तो दोस्तों हमें ना, हमने सोचा कि रात काटनी है, तो भाई किसी भी हालत में ना पूरी तरह से पूरा फील मतलब ना जितना गर्म फील हो सके उतना हम अपने आप को करवाना चाहते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा आपको ना हालत ख़राब थी। खाना बनाने के लिए आज यूज़ यही करेंगे अपना सिलेंडर। तो दोस्तों रात को हमने चावल बना लिए थे, ये चावल है। तो जस्ट चावल को तड़का लगा के और अच्छे से टमाटर प्याज वगैरह डाल के, तो बस बना के खा गए थे। तो फाइनली दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, और बाहर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अंदर ही हमने कैंप वाले जो की है कैंपिंग है, वो हमने अंदर ही कर डाली आधे से ज्यादा। तो वो देखिए भाई लेटे अंदर, भाई ठीक हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठंड से बचा हुआ भाई? बहुत ज्यादा दोस्तों, इस चीज ने हमें काफी ज्यादा बचाव की दी गया हमारा, पर आप मानोगे नहीं इसके अंदर भी नमी आ चुकी है पूरी। ये देखिए दोस्तों, ये नमी नमी आ चुकी है इसमें, तो सोच सकते हो कितना टेम्परेचर होगा। यहाँ पे बेड के ऊपर लगाया हुआ था ये तंबू, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया इसने, चाहे ये नमी ले गया अपने पे, तो ये नमी हमारे शरीर में नहीं गई, है ना भाई? भाई ये नमी हमारे शरीर में नहीं गई, तो इस वजह से ठीक है। बाकी बाहर चलते हैं, बाहर से आपको पूरा व्यू बताने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा मौसम हो चुका है बाहर निकलते ही, और मैं आपको भी आपको बाहर जाकर ना पहाड़ियों के नज़ारे बताता हूँ, आप भी बोलोगे बाकी हो जाओ बोलोगे मजे है। दोस्तों अब देखना आप, 1 2 3 4 5 देखो तो यार, मतलब खतरनाक वाला फील। आज की सुबह हमारी हुई है इन शानदार पहाड़ियों में, तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे कहीं ना कहीं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम अपना सब कुछ बोरी बिस्तरा पैक कर लेते हैं टाइम से, और आज अच्छा हुआ कि धूप निकली हुई है, धूप निकली है तो आज काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर सकते हैं, और धूप में आपको काफ़ी अच्छी लोकेशन देखने को मिलेगी। तो आज की कुकिंग हमारी हो रही है रूम पे, तो अभी चाय बना रहे हैं, सुबह का टाइम है, चाय पी लेते हैं। इसमें पत्ती वगैरह सब कुछ डल चुका है, दूध भी डल चुका है सूखा, और इधर देख सकते हो रूम में लगा दिया हमने टेंट। इधर देखिए, पहले आज अंदर जाते ही
आपको देखने को मिलेगा टेंट लगा हुआ। उसके बाद इधर देखिए, ए हाथ लगा ना जरा, हाथ लगा के बताओ जरा देखो भाई पानी भाई, इसमें भी पानी था। तो दोस्तों देखो कितना ज्यादा बचाव किया हमारा ना इसके ऊपर भी भाई। ये देखो दोस्तों, ये देखो देखो पानी ही पानी रात को, मतलब यहाँ पे अंदर में भी पानी पानी हो गया। ये देखो तो यार बच गए भाई, है ना। रात को बड़ा खतरनाक सीन होता वरना यहाँ पे। तो हमारी फिर से पैकिंग पूरी हो चुकी है और अभी इतना इरिटेट हो रहा हूँ ना इसको उठा के, तो ऐसे लग रहा है कि रहने दे भाई, मैं हिम्मत हार रहा हूँ इस टाइम। इतना बाहर लग रहा है बैग का, पर कोई बात नहीं, चढ़ना पड़ेगा एकदम। मतलब ना कोई कम से कम आधा घंटे चलेंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको बता देते हैं, अभी पूरे रूम की सेटिंग हमने पहले जैसे कर दी पूरी, कोई भी हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं रहने दिया। और हमारा लग्जर जो भी था हमारा सामान वो हमने सारा उठा लिया है बाहर से, कुछ ऐसा था। और होटल में आपको बता दूँ जो हमने परचेज किया था वो ऐसी लुक है पूरी, ये नाम है ऊपर देख सकते हो। बस दोस्तों अभी हमें वहाँ पे जाना है ऊपर, है ना भाई खतरनाक। अच्छा अब ज़्यादा चमकरी, हाँ वो सामने ऊपर दोस्तों वो देखिए। तो अभी हमें आगे जाना है, आकाश पहुँच पाते, बड़ी मोटी मोटी परतें हैं ऊपर जमी हुई है ना बर्फ की। दोस्तों चाबी पकड़ा के आते हैं ऊपर, तो चलो आप भी, आपको आप भी देख लो कैसे चाबी पकड़ाएंगे हम भाई। बहुत ही अच्छा लगा भाई आपके पास रह के। हेलो भाई अपनी अमानत। कोई कमी बेची हमारी साइड से? नहीं कोई नहीं। अच्छा भाई इनकी फोटो मैं देख रहा हूँ सभी जगह, ये कौन है? ये दलाई लामा जी। ये है क्या, क्या है? ये बौद्ध के गुरु हैं, बौद्ध धर्म के गुरु हैं। अच्छा तो इनका तो काफी नाम होगा यहाँ पे, ऑल वर्ल्ड में नाम इनका। हाँ जो मतलब ऑल वर्ल्ड में काफी मतलब फेमस है। कहाँ से ये? तिब्बत से। तिब्बत से है तो इधर ही रहते होंगे ना? हाँ जी दलाई लामा टेम्पल में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने भी इनकी मिनिस्ट्री वगैरह है ना, तो यहाँ पे स्तूप टाइप भी है मिनिस्ट्री में? स्तूप टाइप नहीं है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री है कहाँ कहाँ है? ये एक ही मिनिस्ट्री है इनकी। अच्छा ऊपर है ना, वो बंद है इस टाइम है ना? वो क्यों बंद, क्यों रखी है इस टाइम? कोरोना के चक्कर में। कोरोना के चक्कर में। और कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे इनकी? इनकी यहाँ पे एक ही और धर्मशाला है, करमापा है, नॉर्मलिंग है। इधर इधर है कोई आगे जाके? इधर नहीं, इधर वाटरफॉल है बाक्सू। अच्छा बाक्सू वाटरफॉल है। अच्छा बाकी ट्रैक वगैरह भी है ना इधर? चलो देखते हैं भाई क्या बनता है ना, काफी अच्छा लगा उससे मिलके। तो ठीक है भैया ना फिर आएंगे। तो कल हम इसी प्लेस पे आए थे तो आपको काफी कुछ बताया था, यहाँ पे बर्फ काफी ज्यादा थी। आज देख लो पूरी धूप निकली हुई है और पूरा भाई साहब देख के चलना पड़ रहा है रोड को। भाई बाइक बहुत कर रही है, बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है बाइक। भाई खतरा बहुत ज्यादा है, जो भी ऐसा सिचुएशन है पैदल चले। मैं भाई को बोल रहा हूँ कि भाई देख के चलो, भाई गुस्सा हो जा रहा है कि मेरे को बाइक नहीं चलाने आ रही। ऐसे होता है भाई क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है इस रोड पे भाई, बहुत है भाई। सही बात है, रिस्क है लेकिन फिर भी आप कभी घूमना चाहते हो यहाँ, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा आपको पैदल घूमो। सही बात है। तो बाकी अभी आपको थोड़ा बता रहा हूँ मैं फ्रंट कैमरा करके। अब देखिए दोस्तों पूरे नज़ारे जो कि कल आपको पूरा बताया था, और धूप में देखिए बर्फ कैसे चमक रही है। चले फिर आगे। दोस्तों ये देखिए बाइक, और ये देखिए कैसे ऊपर से बर्फ गिर रही है। पेड़ ऊपर से थोड़ा साइड ही होके खड़ा होता हूँ और पीछे बर्फ कैसे गिर रही है, डर लग रहा है। और ध्यान से जाना भाई, भाई देखना। तो दोस्तों मैं ना आपको बाद में मिलता हूँ क्योंकि बाइक स्किट होगी ना, नीचे गिरेगी सीधी। तो रुक जाओ यार, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ भाई। ध्यान से चलो, जाने दो धीरे धीरे। तो दोस्तों देखिए कैसे रोड है। ओ भाई ध्यान से। तो दोस्तों अभी ध्यान से जाना पड़ेगा आगे, और आगे देखिए बर्फ कितनी ज्यादा गिरी हुई है। भाई ध्यान से चढ़ाइयो। दोस्तों फंस गई मेरे को ना, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब आए हैं हम असली बर्फ में, तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिरी हुई है। और ऊपर चलते हैं और बाक्सू वाटरफॉल
इधर ये सब कुछ। तो बाकी चलते हैं इधर से, और ऊपर से ना हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, तो डर है कोई बड़ा गुचारा गिर जाए सीधे सिर पे, क्योंकि बचना पड़ता है ऐसे एरियो में। तो चलते हैं भाई, चले चलो भाई। तो बाकी आपको साथ साथ में बताते जाते हैं रोड। दोस्तों देखिए डेलू कितने कितने बड़े हैं, बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर फिसल गए तो लगेगी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी। तो इधर देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ गिरी है। दोस्तों ऊपर देखिए बर्फ गिर रही है कैसे पेड़ों से, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई ध्यान से। दोस्तों बर्फ पे चलना बहुत ही टफ है, देखो ऐसे जगह बना बना के जाना पड़ रहा है, और ऐसी जगह पे तो भाई पक्का स्लिप होंगे। अभी भाई बच गए गिरने से, तो चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों बर्फ अभी ना जो रूई टाइप है तो इसमें पकड़ हो रही है चलते टाइम, बट बर्फ के बिना इधर से जाएंगे तो स्लिप हो जाएंगे। जब गर्मी होती है तब हम आते रहते हैं, तो ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ हम बिना उसके चला देते हैं, तो अभी पूरा ध्यान से देख के चढ़ना पड़ रहा है। तो ये यकीन नहीं हो रहा वही रोड है यहाँ पे, हम गर्मियों में आते हैं और आराम से मज़े करके जाते हैं। अच्छा अच्छा तो देखो बारिश है, पूरी गिरी हुई है ये बर्फ से, और इधर गाड़ी देखो कैसे गिरी हुई है। कहीं अच्छी जगह चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि यार जो बैग का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, चला नहीं आ रहा इतना ज़्यादा वेट है। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग है कैंपिंग करने की, धीरे धीरे भाई पहाड़ों के पहाड़ चढ़ जाया करेंगे, पर फर्स्ट में आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो भाई दो कैच कराओ कैच कराओ ना ऐसे पकड़ के एक। तो दोस्तों अभी मैं बर्फ लेके बताता हूँ आपको हाथ में। अरे ओए भाई वो देखो बर्फ का पहाड़ लेकर आया भाई, रुको जरा भाई, बर्फ का पहाड़ भी बनाएंगे आपको बताएंगे थोड़ी देर, है ना कुछ बनाते हैं बर्फ का आगे जाके बनाएंगे। तो लो दोस्तों ये प्यारी प्यारी बर्फ आपके लिए, लो लो दोस्तों ये आपके लिए बर्फ है प्यारी प्यारी, प्यारी हमने आपके लिए स्पेशल रखी है। और भाई इसको ना इकट्ठा करके ले जाएंगे अपने साथ, इधर भाई पिघल जाएगी ये, हमारा उन्ना भी नहीं पहुंचेगा, मजाक कर रहा हूँ यार। दोस्तों इसको मैं ना पल्ली साइड फेंक देता हूँ, भाई हाथ मारना, भाई हाथ मारना मैं आपके साथ फेंकूंगा, ठीक है चलो चले आगे। तो अभी कैंप की जगह देखते हैं, कैंप की एक वीडियो बनाते हैं अच्छी सी, एक दूसरे पर देखो कैसे फेंकेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ आगे करेंगे यार, एक तो मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया तो वो दिक्कत आ रही है भाई। देखिए ऐसी बर्फ पहली बार अनुभव कर रहा हूँ मैं इस बर्फ में चढ़ने का, ऐसे लग रहा है कि किसी ने ना फ्रिज में डाल दिया उठा के मतलब बर्फ फ्रिज में होती है हमारे उधर, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये है लाइफ का एडवेंचर, मेरे को एक स्टिक चाहिए थी, वो किसी ने पीछे कुछ बनाया था यार हमने देखा ही नहीं भाई, ऐसे ऐसे मत डालो भाई, पता क्या पैंट सारी भाई, बचो इस बर्फ से जितना बचना, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा पर घर में जाके हालत खराब होने वाली है। ऐसे ऐसे हम आगे जा रहे हैं, बर्फ भी हमें वैसे ही देखने को मिल रही है काफी ज्यादा, आते टाइम इधर रखना पड़ेगा पैर, इनमें से जाना पड़ेगा। पीछे देखिए पूरा माहौल ऐसा है कुछ इस टाइम का। तो यहाँ पे लगाते हैं टेंट कहीं। तो दोस्तों ये है असली मज़े एडवेंचर, जो कि है मैक्लोडगंज में। तो मैक्लो में आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम, तो मज़ा आ गया। बर्फ देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गिरी हुई है, और इधर तो पैर दस ही जाएंगे पूरे बीच में। तो भाई को बोल रहे हैं कि कपड़े खोलने को दिल कर रहा है, भाई खोलो
भाई ऊपर को पहले अभी जम चुकी है ये पूरी भाई ऊपर को आना यार दोस्तों ये है रूई टाइप भाई बोल रहे हैं भूख लगी है तो ऊपर चलते हैं पहले टेंट वगैरह की जगह देखते हैं तो टेंट लगाते हैं उधर सफाई हो रही है पुल की साफ कर रहे हैं भाई लोग तो चलो ऊपर चलते हैं हम मेरे को ना एक स्टिक चाहिए एडवेंचर वाला फील लेने में तो दोस्तों बड़ा ही ज़्यादा ऊपर आने के बाद जा तो हम उधर भी जा सकते हैं ऊपर पर उधर अभी क्या करेंगे उधर तो रिस्क है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आए हैं बर्फ में भाई भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाले जिसके कारण हमें कोई दिक्कत हो जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे आगे हमें बहुत ही आसान रहता जाएगा अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं टेंट लगाने के लिए जगह बहुत ही परफेक्ट लग रही है तो भाई आ जाओ जरा मेरे साथ कितने लाओ ये आओ ना भाई एक मिनट आओ ना मैं आपको बताता हूँ क्यों बुला रहा हूँ मैं आपको बता दूँ क्योंकि इस बैग को यहाँ पे रखने के लिए दोस्तों इस बैग को ये देखिए यहाँ पे रख दिया अब हम यहाँ पे थोड़ी सेटिंग करेंगे पहले मेरे को चाहिए एक डंडा तो बड़ा कुछ मैं अपने साथ नहीं लेकर आया था आए हाय 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 दोस्तों आप मानोगे नहीं नीचे से ऊपर आके बहुत बुरी हालत हुई जैसे ही बैग नीचे रखा और जैसे ही पूरा हल्का हो गया और अब पूरा अच्छा फील आ रहा है तो इतना ज़्यादा बाहर लेके चलना बहुत ही तफ हो रहा था आगे आगे तो इससे भी बड़ा बैग होने वाला है मेरे पास पता नहीं कैसे होगा पर करेंगे जरूर भाई ये क्या है नीचे कुछ खाया है किसी ने ना यहाँ पे खाया है ना किसी ने कुछ तो दोस्तों इन पूरी जगह में हमें ये एक जगह थोड़ी ठीक लगी है यहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं तो ये देखिए भाई के पीछे पूरा ऐसे अच्छे से टेंट लगेगा और इधर भी पूरा एडवेंचर आपको देखने को पीछे मिलेगा बर्फ भी बर्फ देखने को मिलेगी और यहाँ पे सुबह दोस्तों हमने चाय और उसके साथ हमने ब्रेड जो होती है वो गर्म करके खाई थी तो अब और थोड़े हमारे पास चिप्स के पैकेट थे वो भी हमने खाए थे और अब हम खाएंगे यहाँ के कुछ बना लेते हैं यार क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लगी है तो बस मैं थोड़े स्टिक वगैरह देखता हूँ उसे थोड़ा साफ करके फिर साफ करते नहीं मिलते हैं आपके भाई ध्यान से जाना अब ओ इधर से तोड़ लाई एक लकड़ी बड़ी है पर ये टूटनी बड़ी औखी है ओ बस बन गई गल दे दोस्तों हमें चाहिए थी एक लकड़ी वो हमें मिल चुकी है और हम थोड़ा अब इस चीज को साफ कर लेते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे टेंट मैं बोतल देना मेरे को भाई ने बर्फ डाल दी है इस पानी में तो अभी पी लेते हैं थोड़ी देर काफी ज्यादा प्यास लगी थी स्वर्गों के जूते लगा दिए इसने चलो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग में लेते हैं आपसे अलविदा तो जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें हम करेंगे यहाँ पे कैंपिंग तो उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बस आपको थोड़े एंजॉय कराने थे स्नो वगैरह के और बस यहाँ पे अभी कैंप लगाएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग होगा जो वो कैंपिंग का ब्लॉग आएगा बाकी कैंप करेंगे यहाँ पे अभी तो बस इस ब्लॉग में लेते हैं आपसे इजाज़त तो अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस एपिसोड को कर देना लाइक चैनल को देना सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन जरूर 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 प्रेस करना तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर